वाहे खालसा वाह जी फतेह जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हॉकी टूर्नामेंट गोल्ड एंड सिल्वर कप, ये 150 टूर्नामेंट है। हम लगातार ये टूर्नामेंट करते आ रहे हैं। ये पंजाब के और अपने महाराष्ट्र के ऑल इंडिया के टीम आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर स्वरूप प्राप्त किया है, गुरु महाराज के प्रतिमा को यहाँ टूर्नामेंट का संचालन किया जाता है, जो कि गत 5-6 वर्षों से इंफेक्शन यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट और बाकी प्रशासन जो भी है सभी के सहयोग से। तो निहा बोले सो निहा इस टूर्नामेंट के गाज गज गाज गज गावे निहाल हो जावे। नांदेड ही एक पावन भूमी आहे। नांदेडमध्ये श्री गुरु गोविंद सिंग जी यांचा वास्तव्य होता आणि श्री गुरु ग्रंथ साहेब यांचा वास्तव्य आहे, त्यामुळे या ठिकाणी गुरु गोविंद सिंग जी यांच्या स्मरणात काहीतरी एक उपक्रम चालवावा, त्या दृष्टीने एक खेळाचा राष्ट्रीय खेळाचा हॉकीचा उपक्रम 50 वर्षापूर्वी सन 1972 सुरू करण्यात आला होता आणि त्यावेळेस सिल्वर कप होता। नंतर हे जसं जसं पुढे येत गेला, निरंतर 50 वर्षे चालत असताना गोल्ड कपचा संकल्प त्यांनी केला आणि गोल्ड कपसुद्धा पाचारण केला। तर सध्या गोल्ड कप आणि सिल्वर कप हे दोन्ही रोलिंग ट्रॉफी या ठिकाणी दिली जाते विजेत्या संघाला, उपविजेत्या संघाला। हा राष्ट्रीय खेळ असल्यामुळे नांदेडमधून हॉकीचा प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तरावर व्हावा या दृष्टिकोनातून दुष्ट दमन क्रीडा आणि युवक मंडळ या संघटनेने हा पुढाकार घेतलेला आहे। नांदेडमध्ये जी 50 वर्षापासून शैलीदार हॉकीची परंपरा आहे, ती परंपरा फार वेगळी आहे। अनेक शासकीय नोकऱ्यामध्ये नांदेडचे खेळाडू खेळामुळे गेलेले आहे हॉकीमुळे, आणि कुठेही देशामध्ये गेले तर नांदेडचे गुरुद्वारा आणि हॉकी हे दोन ओळख कुठेही तुम्हाला लोक सांगतात की नांदेडमध्ये ह्या चालतात। आणि सतत 50 वर्षे एक टूर्नामेंट चालू ना, म्हणजे आपल्यामध्ये एक इतिहास आहे। देशामध्ये अजलनशाह गोल्ड कप टूर्नामेंट होतो, परंतु त्याच तुलनेत नांदेडमध्ये हा उपक्रम सुरू आहे खेळाचा। 50 वर्षामध्ये फक्त एकदा कोविडच्या काळात हा टूर्नामेंट होऊ शकला नाही, परंतु हा 49वी ही स्पर्धा असली तरी 50वा हा वर्ष आहे, म्हणजे एक गोल्डन ज्युबली इयर हॉकीसाठी आहे। आणि नांदेडमध्ये जो प्रचार प्रसार होतो तो खूप वैशिष्ट्यपूर्ण आहे असं मला वाटतं। टूर्नामेंट का आयोजन पिछले समझो 50 साल से हो रहा है, जिसे लगातार चल रहा है, अनबीटन टूर्नामेंट है। अरे एक साल कोरोना की वजह से ये टूर्नामेंट नहीं हुआ है, और हर साल ये टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेती है, जो लीग पद्धति द्वारा टीमें खेला जाते हैं, और पूरे भारतवर्ष से इसमें टीमों में भाग लेती है। जिस वर्ष ये पंजाब से 8 टीमें भाग लेती है, जैसा पंजाब पुलिस, CRPF दिल्ली, अटलरी नासिक, अटलरी सिकंदराबाद वगैरह वगैरह टीमों ने भाग लिया है। कल ये टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह हुआ है, संत बाबा कुलवंत सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, संत बाबा राम सिंह जी और हमारे सुप्रिंटेंडेंट शरण सिंह जी सोडी, और ये टूर्नामेंट सरदार गुरमीत सिंह जी नवाब उनके नेतृत्व में लिया जाता है हर साल, उनकी टीम के द्वारा ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, और इसमें से मुख्य सहयोग सरदार गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड़ और लंगर साहिब गुरुद्वारा नानक जिला बिदर और नांदेड़ महानगर पालिका और हमारे दानी सज्जन लोग और सभी लोग, हमारे MLA साहब, हमारे खासदार साहब, सब लोगों का
सहयोग रहता है। ये सहयोग के वजह से ये टूर्नामेंट की शान है और ये इसे टूर्नामेंट लगातार चलते जा रहा है। सभी दानीय सज्जनों में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं और मैचेस के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। हम ही पब्लिक से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचों में आप पूरा योगदान देके अपना रोमांच बढ़ा के मैच देखने को आए।